आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ सविता नेवाल। चलते हैं हापुड़ की ओर, जहां ग्राम मुबारकपुर में शुरू हुआ ग्रामीण नेतृत्व प्रशिक्षण। ग्रामीणों को दी जा रही है उनके हकों की जानकारी। जनपद हापुड़ सिंभावली ब्लॉक के गांव मुबारकपुर में ग्रामीण युवाओं के लिए ग्रामीण नेतृत्व प्रशिक्षण का कार्यक्रम ग्राम पंचायत सचिवालय में शुरू हो गया है। ग्राम पंचायत के जो वैधानिक अधिकार हैं, इस कार्यक्रम में विस्तार से समझाया जा रहा है। कार्यक्रम संचालक आशुतोष शर्मा ने बताया कि इसी विचार को केंद्र में रखते हुए हमारी टीम ग्रामीण नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है, जिसमें ग्रामीण नौजवानों को ग्राम पंचायतों से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी और उनको नेतृत्व के लिए तैयार किया जाएगा। तभी हमारा देश आत्मनिर्भर होगा और उन्नति करेगा। हापुड़ से नवीन गौतम की रिपोर्ट, देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। ग्रामीण नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आज यहाँ पर मुबारकपुर में ग्रामीण ग्राम पंचायत सचिवालय से हम ये शुरुआत कर रहे हैं। ग्रामीण नेतृत्व विकास प्रशिक्षण क्या है? ये ग्रामीण नेतृत्व विकास प्रशिक्षण, हमारा जो देश है 1947 में आजाद हुआ। 1947 में आजाद होने के बाद सबसे पहले केंद्र में सरकार बनी, राज्य में सरकार बनी और लगातार कई समितियां आती रहीं और उन्होंने ये अपना सजेशन दिया, ये सुझाव दिया कि जब तक सत्ता गांव तक नहीं जाएगी तब तक देश का विकास नहीं हो सकता, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। और उन समितियों को रिपोर्ट जो थी वो जब प्रधानमंत्री तक गई तो 1992 1992 1993 में संविधान में पंचायत शब्द जोड़ा गया, 11वीं सूची जोड़ी गई और 29 विषय दिए गए। उन 29 विषयों में शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण, कोई विषय ऐसा नहीं छूटा जो हमारे ग्रामीणों के पास ना हो। लेकिन जब किसी गांव में जाते हैं, आज गांव का नौजवान राजनीतिक पार्टियों के चंगुल में फंसा हुआ है। आज गांव के नौजवान को यह नहीं पता कि अपने गांव के पास सब कुछ है, मैं राजनीतिक पार्टी में क्या कर रहा हूं, मुझे तो अपने गांव को संवारना है, मुझे तो अपने गांव को आगे बढ़ाना है। ये जो स्वर्ण शक्ति फाउंडेशन है, इसकी जो टीम है, अंकित जी ने जैसे बताया मेजर युद्धवीर सिंह सिसोदिया, क्या जरूरत है एक आदमी को जो मेजर रैंक में रहकर आया हो समाज में गांव गांव जाने में, वो तो अपना काम करके आ गया। इसलिए हाँ, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आज पूरा विश्व उसे मानता है, लेकिन ये हमारे हापुड़ जिले का दुर्भाग्य देखिए कि उस लड़की को उसका हक नहीं दिला पाया। ये हमारे जिले ने उसे क्या दिया? जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम करके आई हो, क्या दिया नेताओं ने, हापुड़ के नेताओं ने, कोई मुझे बताना चाहेगा क्या उसे वो मुकाम मिला जिसकी वो हकदार थी? एक साल तक लगातार इस लड़की से बात करने के बाद हमने ये निर्णय लिया, हम आपको अपने संगठन में लेंगे और हम आपको वही हक दिलाएंगे जो आप डिजर्व करती है, जो आपका इस देश के अंदर है। और आज मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आज जो देश की सबसे बड़ी संस्था नाबार्ड है, नाबार्ड इसने आज के साथ मिलकर काम कर रही है, ये हमारे संगठन ने किया है। अभी निशांत तिवारी जी, आकांक्षा मौर्य जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाईली क्वालिफाइड है, जिन्होंने बीटेक, एमटेक, एमबीए किया हुआ है। मैं अगर खुद अपनी बात करूं, मैंने एमटेक किया हुआ है और सरकारी इंजीनियर की नौकरी में छोड़ के आया हूं। मैं जो समाज सेवा की बातें करता हूं, अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करता, आज जितने काम मैं करता हूं किसी पार्टी के लिए करता, हो सकता है शायद किसी अच्छे स्तर पर पहुंच जाता, लेकिन सरकारी नौकरी छोड़कर मैंने वो रास्ता अपनाया जो आज से 73 साल पहले भगत सिंह ने अपनाया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनाया था, चंद्रशेखर आजाद ने अपनाया था। क्या जरूरत थी उन्हें अपने जान देने की, क्या जरूरत थी समाज को सुधारने की, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी। आज जब भारत का संविधान में पढ़ते हैं, भारत के संविधान में जिम्मेदारी और कर्तव्य दोनों लिखे हुए हैं, अधिकार और कर्तव्य दोनों लिखे हुए हैं। क्या किसी ने वो कर्तव्य पढ़े इस देश के लिए हमारे क्या कर्तव्य है? उन्हीं कर्तव्यों को समझते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। और जैसा कि मेरे भाई ने भी बहुत ही अच्छी बातें रखी, किसानों की आवाज उठाते हैं, शोषित की आवाज उठाते हैं, गर्व ऐसे लोगों पर कि जो दूसरों के लिए आवाज उठाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। विषय की तरफ मैं आता हूं, पढ़ाई जाती है और ना ही किताबों में पढ़ाई जाती है। कैसे पता कि हम अपने गांव को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे पता हमें किस किस रास्ते से गुजरना पड़ेगा, शायद ये किसी किताब में नहीं पढ़ाई जाती। इसी के लिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम एक ऐसा सेंटर बनाएंगे जहां पर सिर्फ ग्रामीण समस्याओं के समाधान और कैसे वो लोग अपने गांव को बेहतर बना सकते हैं, कैसे उनके अधिकार उन्हें बताए जा सकते हैं, इस चीज के
लिए सेंटर खोले और उसकी शुरुआत पिछले महीने यहाँ पर हुई थी। पंच परमेश्वर ग्रामीण पुस्तकालय हमने बनाया था और जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स है, युवा मंत्रालय, कुछ अधिकारी आए थे और उन्होंने उसके अंदर नींव रखी थी। तो आज हर ग्रुप से हम लोगों ने इसीलिए नौजवानों को बुलाया है कि यहाँ पर हम एक ऐसा सेंटर बनाने वाले हैं जहाँ पर ग्रामीण विकास से संबंधित कोई भी जानकारी आप आकर ले सकते हैं। और आज जो अधिकारी हापुड़ में बैठते हैं, यहाँ पर सभी नौजवान जानते हैं, मेरे पत्रकार साथी भी बैठे हुए हैं, सभी लोग आप मुझसे तो काफी ज्यादा जानकारी रखते हैं। ये जो हापुड़ में जो अधिकारी बैठते हैं, इनमें से एक या दो अधिकारी ही ऐसा होगा जो हापुड़ का हो, कोई बनारस से आता है, कोई लखनऊ से आता है, कोई जौनपुर से आता है, कोई बरेली से आता है। क्या इनको पता है हापुड़ जिले की समस्या क्या है? क्या इनको पता है हापुड़ के जो गांव है उनकी समस्या क्या है? वो गांव के नौजवानों को खड़ा होना पड़ेगा, अपने गांव की समस्याएं उठानी पड़ेंगी, उनके पास जाना पड़ेगा और उसके लिए पहले सीखना पड़ेगा। और ये सिखाने का जो कार्य है ये हम करने जा रहे हैं कि हापुड़ जिले की जो 273 ग्राम पंचायतें हैं, 273 ग्राम पंचायत का कोई भी नौजवान कहीं पर भी अगर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ग्रामीण विकास से संबंधित कुछ भी जानकारी उसको चाहिए, यहां पर उपलब्ध कराई जाएगी। और उसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, जो कि आज पूरे देश में राष्ट्रीय ग्रामीण एवं पंचायत राज जो संस्थान है, हैदराबाद में जिसका ऑफिस है, उनकी तरफ से मैं सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर भी हूं। उत्तर प्रदेश में 10 या 12 लोगों को ही सर्टिफाइड ट्रेनर बनाया जाता है पंचायती राज विभाग की तरफ से, तो उनमें से एक मैं भी हूं। और पिछले 3 साल से लगातार देश के जो शीर्ष अधिकारी हैं, जो पंचायती राज के डायरेक्टर जनरल हैं, जो उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास के जो डायरेक्टर जनरल हैं, पंचायती राज विभाग की जो निदेशक हैं, उन लोगों के साथ मिलकर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे गाँव गाँव तक नौजवानों को उनके अधिकार पहुंचाए जाए और वो एक जिम्मेदारी के साथ कि मेरी क्या जिम्मेदारी है, वो दूसरों पर निर्भर ना हो, मेरी क्या जिम्मेदारी है, मुझे क्या करना है, मैं कैसे शुरुआत कर सकता हूं, उस चीज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी जैसे कि जनवरी के बाद फरवरी में चुनाव भी है, फरवरी में अभी ग्राम पंचायत और जिला पंचायतों के चुनाव भी है, तो इस बार हमारी कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा सही नेतृत्व को निकाला जाए। जैसे कि अगर मैं गाँव में बात करूँ, एक प्रधान होता है और उसके साथ 9 से 15 वार्ड मेंबर होते हैं जिनको हम पंचायत सदस्य बोलते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो पिछले चुनाव हुए उसमें 55% पंचायत के जो सदस्य थे वो तो ऐसे ही बन गए, उनको पता ही नहीं कैसे बने हम, 13% खाली रह गए, 13% ने फॉर्म ही नहीं भरा। तो जो ग्राम पंचायत का मंत्रिमंडल जैसे बोलते हैं पंचायत सदस्य, उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं। आज हम प्रधानमंत्री जी से नौकरी मांगते हैं, आज हम मुख्यमंत्री जी से नौकरी मांगते हैं, लेकिन जिसको हम सेल्फ गवर्नमेंट, भारत के संविधान में ग्राम पंचायतों को सेल्फ गवर्नमेंट का दर्जा दिया गया, अब जब सरकारी हमारी है तो हम किसी के आगे हाथ क्यों जोड़ें? लेकिन एक माहौल ऐसा बना दिया गया है कि आज हम अपने पास जो है उसे देख नहीं पा रहे और दूसरों पर इतने निर्भर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हर राजनीतिक पार्टी आज नौजवानों का फायदा उठा रही है। और ये फायदा तब तक उठाती रहेगी जब तक कि हमारे नौजवान अपने अधिकारों के बारे में समझ नहीं रखेंगे और अपने आप को, अपनी जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्यों को नहीं समझेंगे। और हमारा जो ये फाउंडेशन है, सरस्वती फाउंडेशन, जितने भी इसमें लोग हैं सभी लोग पिछले 8-10 सालों से काम कर रहे हैं। अगर मैं इनके कुछ कामों की बात करूं, अब तक हमने क्या काम किए हैं, हर साल हम एक शिक्षा सम्मेलन कराते हैं, पिछले साल हम लोगों ने शिक्षा सम्मेलन कराया जिसमें 50 इंटर कॉलेजों ने भाग लिया हापुड़ जिले के, और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मेलन था जिसमें करीब 5,000 बच्चों ने भाग लिया। इसके अलावा पंचायत संवाद कार्यक्रम हम लोगों ने कराया, महिला सशक्तिकरण पे अभी जो नाबार्ड है, जो देश का सबसे बड़ा बैंक है, उसने अभी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने, माई पैड माई राइट, तो उसकी जो राष्ट्रीय समन्वयक है वो हमारे गाँव में आई। ये हमारे गाँव का सौभाग्य है कि मुंबई से चल के वो यहाँ आई और उन्होंने जो है महिला सशक्तिकरण पर कार्यक्रम करा। सौर ऊर्जा की ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं, तो तमाम काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी से हम लोग जुड़े हुए नहीं है। हम वो काम कर रहे हैं जिनका अधिकार हमें पंचायती राज देता है, जिनका अधिकार हमें संविधान देता है। और जितने भी नौजवान हैं उनको बस मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि दूसरों पर निर्भर रहने से अच्छा है अपने पैरों पर खड़ा होना। जय हिंद, जय भारत। काफी समय से कर रही है ये नई शुरुआत, अभी मेरी काफी समय से कर रही है, मेरा यहाँ पे भी दूसरी बार आना हुआ है,
पहले भी उन्होंने एक कार्यक्रम करा था, मेरा सौभाग्य हुआ कि किसी कारणवश मेरा नाम किसी ने तैयार हो जाए कोई पत्र के नाते बुलाया गया और समय समय पर इनके कार्यक्रम भी हुए हैं और इनकी सब समाचार मेरे पास पहुंचते रहे हैं और मेरा भी एक प्रयास रहा कि इनका भी जो कार्यक्रम है वो लोगों तक पहुंचे। अभी एक बंद कमरे में क्या कार्यक्रम हो रहा है किसी को क्या पता लगता है, पत्रकार का यही काम होता है कि उसे दूर दूर तक पहुंचाए, सब लोग पढ़े कि हमें कोई कार्य हो रहा। और सबसे पहला ये शौर्य शक्ति फाउंडेशन की टीम की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शौर्य शक्ति फाउंडेशन की टीम लगातार शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास को लेकर बहुत ही गंभीरता से काम कर रही है और इन सभी विषयों पर लगातार हम लोग हापुड़ जिले के चारों ब्लॉक में और उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में काम कर रहे हैं और शौर्य शक्ति फाउंडेशन की टीम ग्रामीण विकास को लेकर भी लगातार काम कर रही है, जिसमें ग्रामीण नेतृत्व कार्यक्रम बहुत ज्यादा प्रमुख है। और सभी नौजवानों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि अपने अपने गांव को बेहतर करने के लिए, अपने गांव को आगे बढ़ाने के लिए सही जानकारी लेकर अपना गांव आत्मनिर्भर बनाएं और सभी लोगों का जीवन आसान बनाएं। इसी कड़ी में मेरे साथ शौर्य शक्ति फाउंडेशन से संस्थापक सदस्य अंकित भड़ाना जी है, नरेंद्र सिंह जी है, मैं चाहूंगा ये भी अपने विचार बनाए। नमस्कार साथियों, मैं भी श्री गरीबाग यही कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपना जो भी आपके नजदीकी समाज है या आप जहां से भी ताल्लुक रखते हैं अपनी सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए हमेशा आगे बैठ करते रहें और वहां की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको लेकर आप आवाज उठाते रहें और अपनी जिम्मेदारी के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है, यह संकल्प भी हमें सभी को साथ ही लेना है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, अभी दीपावली आ रही है तो मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि दीपावली पर दिए जलाएं, पटाखे न जलाएं, पटाखे जलाने से प्रदूषण का भी नुकसान है, पेड़ लगाएं, सभी स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, खुश रहें।